सो गाइस, दिल्ली में मंडे से लॉकडाउन खुल चुका है और आज है थर्सडे 10 जून और मैं हूं अभी नेहरू प्लेस में। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस बताने वाला हूं। लॉकडाउन के बाद के प्राइसेस होने वाले हैं कि अभी जो प्राइसेस हैं वो बढ़े हैं या फिर घटे हैं, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और इस वीडियो के बाद भी 2-3 वीडियोज़ और ऐसी ही आने वाली है जिसके अंदर मैं आपको दूसरी शॉप से ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस वगैरह बताऊँगा और उसके अंदर मैं आपको कोटेशंस वगैरह देने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट करे अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। अभी हम लोग इन ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस आप लोगों को बताने वाले हैं और अभी हम लोग हैं जनरेशन नेक्स्ट कंप्यूटर पर और ये हैं अपने शादाब भाई। और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर वगैरह सब कुछ दे दूंगा तो आप लोग इनसे डायरेक्ट कॉल करके जो कोटेशन वगैरह हैं वो ले सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं 1050 Ti से। क्या प्राइस है भाई 1050 Ti का? 18,000 रुपीज़ का 1050 Ti 4GB। ओके, 1650 का क्या रेट है? 23,500 रुपीज़ में आपको मिलेगा 1650 GB का ही। देन यहाँ पे आपके पास में 1660 सुपर है, इसका क्या रेट है? ये आता है आपको 56,000 रुपीज़ में आपको मिलेगा 1660 सुपर 6GB का ही कार्ड है। इसके बाद में 2060 ये 57,000 रुपीज़ में 2060। देन यहाँ पे हमारे पास में है 3070 आता है, 3070 आता है। 3060 का क्या रेट है भाई? 3060 नॉर्मल आता है 77,000 का। 77,000 का 3060 है आपका 125,000। 3060 Ti 125,000 का। एंड 37 ये 130 का, 130 का 8GB OC ये गीगाबाइट के कार्ड हैं इनके पास में। और गीगाबाइट का ये कितने का है? 6700 XT 95,000 रुपीज़ में। ये 12GB का कार्ड है। इसके बाद में 3080 वगैरह है आपके पास में? हाँ, अवेलेबल है बट वो दूसरे वाले ऑफिस में। ओके, 3080 का क्या रेट चल रहा है? 180 के आसपास। डेली अप डाउन होते हैं तो कुछ कंफर्मेशन नहीं। हाँ, रेट तो डेली अप डाउन होते रहते हैं। तो ये अभी के प्राइसेस अगर आप लोग आज की डेट में आते हो तो आपको ये प्राइस मिल सकते हैं। बाकी अगर आप लोग कल परसों आओगे या कभी भी आओगे तो रेट थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। और 3090 का है, 290 का। एंड जो अभी वो लो है LHR वाले कार्ड्स आ रहे हैं अभी उनका आया नहीं है। चलो, अभी उनका स्टॉक आया नहीं है जो LHR कार्ड्स हैं, 3070 Ti और 3080 Ti। और यहाँ पे आप लोग अपना PC बिल्ड वगैरह करवा सकते हैं। आपको यहाँ पे मदरबोर्ड वगैरह सारी एक्सेसरीज़ वगैरह सब कुछ मिल जाता है, गेमिंग कीबोर्ड वगैरह सब कुछ मिलता है ना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अपना आके PC बिल्ड फुल करवा सकते हो। और ये जो कार्ड्स के प्राइसेस है ये बिल्ड के साथ में है। हाँ, तो अगर आप बिल्ड के साथ लेते हो तो आपको ये रेट पड़ने वाला है, बाकी थोड़ा सा रेट ऊपर आपको मिलेगा अगर आप खाली ग्राफिक कार्ड लेते हो तो। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि जो ग्राफिक्स कार्ड उनके प्राइसेस अभी भी बढ़ ही रहे हैं, तो जो लोग भी वेट कर रहे हैं कि 2-4 महीने में प्राइस कम हो जाएंगे, तो आप लोग इतना वेट मत करो क्योंकि जो प्राइसेस है वो धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं, अभी कम नहीं होने वाले हैं प्राइसेस। जो कम होंगे वो लगभग आपको नेक्स्ट ईयर तक देखने को मिलेंगे। तो जो लोग भी परचेस करना चाहते हैं और जिनका काम रुका हुआ है, आप लोग अभी परचेस कर सकते हो। और 3070 Ti 3080 Ti जो लो हैश रेट वाले कार्ड से, ये भी आपको लगभग 1 हफ्ते के आसपास मार्केट में देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग इनको भी परचेज कर सकते हो। बाकी दूसरे जो ग्राफिक्स कार्ड हैं उनके भी स्टॉक अभी ज़्यादा नहीं है क्योंकि लॉकडाउन खुले हुए भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं और काफ़ी लोग जो हैं वो इस टाइम पर PC परचेज कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से लोग रुके हुए थे। तो अभी इन लोगों के पास में स्टॉक ज़्यादा नहीं है, तो इसी वजह से ये लोग अभी ज़्यादा ओवर प्राइस सेल कर रहे हैं। तो बस यही थी हमारी आज की वीडियो और इस वीडियो के बाद मैं 2-3 वीडियोस और अपलोड करने वाला हूं जिसमें मैं आप लोगों को अलग अलग शॉप से बजट PC बिल्ड के कोटेशन दिखाने वाला हूं और ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस बताने वाला हूं एक दूसरी शॉप से। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट कर देना ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ऑसम, गुड बाय।